वेलकम टू माय चैनल डिश डिस्कवरी। आज की रेसिपी में हम शेयर करने वाले हैं सुपर डिलीशियस बेस्ट की बर्गर की रेसिपी। बेस्ट की बर्गर की रेसिपी बहुत ही आसान होगा आपको बनाना। अगर आप एक टीनेजर हैं तो भी इस रेसिपी को देखने के बाद बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलते हैं बेस्ट की बर्गर बनाने की रेसिपी। फर्स्ट स्टेप पर हम बनाएंगे टिक्की। तो टिक्की बनाने के लिए हमने लिया है सबसे पहले 4 से 5 उबले हुए पोटैटोस, 1/2 कप हमने लिया है बॉयल मटर। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली बारीक कटे हुए, कोरिएंडर लीफ बारीक कटे हुए, सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/4 टेबल स्पून। अब इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे ऐसे, और थोड़े अच्छे से इसमें ब्रेड क्रम्स डाल के कॉर्नफ्लावर ये हमने 1 टेबल स्पून लिया है, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। साथ में हमने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब एक बड़ी सी साइज में ऐसे पोर्शन लेंगे, थोड़ा सा अपने हथेलियों पे ऐसे रख के इसे हम टिक्की का शेप देंगे ऐसे चपटा करते हुए। टिक्की का शेप एकदम रेडी है। अब इसे हम डिप करेंगे ब्रेड क्रम्स में, अच्छे से इसे कोट करेंगे। जितने अच्छे से हम इसे कोट करेंगे उतना ही हमारी क्रिस्पी होगी टिक्की, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छे से इसे क्रिस्पी बनाना है तो हमें ब्रेड की अच्छे से बोथ साइड से अच्छे से लगाना है। अब यहाँ मैंने एक मिक्सचर रेडी किया है कॉर्नफ्लावर और वाटर का। अब इसमें हम अपने टिक्की को ऐड करेंगे। फिर एक बार से फिर से हम ब्रेड में इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्स में रेडी करेंगे, जिससे कि हमारा काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो। अब ये काफ़ी रेडी है फ्राई होने के लिए, तो चलते हैं ऑयल में इसे फ्राई करते हैं। हमने गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है। अगर आप चाहो तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं या डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई भी नहीं रखेंगे। हमने दोनों साइड से इसे अच्छे से क्रिस्पी बनानी है। मैंने एक साइड से इसे बना दिया है, आप काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से एकदम क्रिस्पी दिख रहा है। एक साइड से फ्लिप कर दिया है, अब सेकेंड साइड से इसे अच्छे से और से फ्राई करना है। अब दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। अब चलते हैं बर्गर बनाने की प्रोसेस पे। बर्गर पहले बर्गर के नीचे की लेयर को कट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज। काफ़ी अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे पूरे बर्गर पे, और उसके बाद हम इसमें 1 by 1 सारे बेजेस को ऐसे रखते जाएंगे। उसके बाद मिड में हम रखेंगे टिक्की, उसके ऊपर हम रखेंगे अपने स्लाइसेस चीज़ की, फिर हमने वेजिटेबल्स रखा और इसे अच्छे से हमारा एकदम बर्गर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी वेजिटेबल्स नहीं पसंद है तो आप उसे निकाल सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद भी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।